नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी पर। और आज की कहानी शुभित की है। ये कहानी काफ़ी खास है और आप सबको एंटरटेन भी करेगी। तो इससे पहले मैं कहानी शुरू करूं, आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए जब आपके कानों तक पहुँचे, तो बस दो काम जरूर करें। एक तो ईयरफोन का यूज़ करें, इससे ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और साथ ही अपनी आँखों को बंद कर ले, इससे कहानी रियलिस्टिक लगेगी जब आपकी आँखों तक पहुँचेगी, आपके कानों तक। चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ आज की हमारी इस कहानी को। दोस्तों, ये कहानी सुमित की है। सुमित कहता है, बात आज से कई साल पहले की है जब मैं 12वीं की पढ़ाई ख़त्म करके कॉलेज में दाखिल लिया था। देखने में ठीक ठाक हो उस वक्त भी अच्छा था, पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन भी अच्छा खेलता था। फिर कॉलेज में ही मैं खेल में काफ़ी रुचि लिया करता। कॉलेज के शॉर्ट अटेंडेंस में कोई लफड़ा नहीं था क्योंकि गेम करने वालों की इज्जत होती थी कॉलेज में। और डीपी सर के साथ मेरी अच्छी पढ़ती। आज की आपको कहानी आगे बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ। मैं नॉर्मल दिखने वाला 5'9" हाइट का लड़का हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल पार कर गई थी। मेरे क्लास के लगभग सभी छात्र छात्रा ने उसी कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज में धीरे धीरे मज़ा आने लगा, सबके साथ हाय और बातचीत होने लगी क्योंकि ज़्यादातर क्लास के स्टूडेंट जान पहचान थे। मैं अपने एक दोस्त कुलदीप के साथ बैठा करता था। एक दिन मैंने देखा कि हमारी क्लास की एक लड़की मेरे स्कूल के दोस्त अंजू पर लाइन मारा है। मुझे ये देखकर हंसी आ गई। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद मैं अंजू के पास गया। मैं बोला, क्लास में तुम्हारा एक बड़ा आशिक पैदा हो गया। ये सुनकर उसका मुंह तर गया। वो बोली, हाँ जानती हूँ, उसी आशिक ने मेरा जीना हराम करके रखा है। जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है, रास्ते में कई बार हाथ पकड़ लेता है। इस बात पर मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि मैं उसे इस बारे में बात करता हूँ। वो फिर मुझे थैंक्स बोलकर चली गई। मैंने उसके लड़के से बात कर उसे मेरा झगड़ा हुआ, मगर बाद में मामला सुलझ गया। फिर 2 दिन बाद मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना था। बाहर जाने की वजह मुझे पता नहीं, लेकिन जब इंटर कॉलेज गेम के लिए ट्रायल था, जब मैं वापस आया तब तक डीपी सर का तबादला हो चुका था। नए सर आगे थे, उनसे मेरी बातें कभी नहीं हुई थी। तो मैंने खेल के बारे में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैंने कि मुझे भी खेलना है। सर ने मना कर दिया और बोला कि ट्रायल में जो 17 लड़के पास हुए हैं, अब उन्हीं के साथ टीम का चयन होगा। तुम लेट हो गए हो, अगर तुम पहले आते तो सेलेक्ट होने का मौका मिल सकता था। मैंने सर से कहा, सर आपके पास जो भी बेस्ट लड़के हैं उनमें से 17 में से उनके साथ मेरा मैच करवा दीजिए, मैं मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर वो मुझसे बेहतर हुए तो आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। इस बात पर सर चिढ़ गए और उन्होंने उन 17 लड़कों के साथ ही मेरा मैच करवा लिया। मगर मैं खेलने में बहुत अच्छा था और आगे भी, तो मैंने 17 को ही हरा दिया। इतने मैच एक साथ होने के कारण मैं पूरी तरीके से थक चुका था। सर ने मुझे टीम में ले लिया। मैं उस दिन बहुत खुश था। मुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ी लेकिन उसका फल भी अच्छा मिला। मेरी इस परीक्षा को मेरे सब दोस्तों के साथ देखकर अंजू भी थी। अंजू को मेरे बारे में बता दूँ, वो सिंपल सी लड़की थी जो बिल्कुल सादे ताने पाने में रखती थी। मेकअप मैंने उसके चेहरे पे कभी नहीं देखा था। अंजू के बाल ज़्यादा नहीं थे परंतु अच्छे थे। आँखें बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर लगती थी उसकी आँखें। हंसते हुए एक साइड में डिम्पल होती थी। अंजू के गर्दन सुराही जैसी थी। नॉर्मल हाइट 5'4" होगी। उसका रंग की हुआ जैसा था। लड़की को भी उसे बहुत ज़्यादा कमेंट करते, उसे छेड़ते। आज अंजू गांव से थी और उसके परिवार के साथ खेती का काम करती, इसलिए उसका बॉडी काफ़ी फिट था और सेफ में था। कॉलेज की टीम में जब मेरा नाम आया तो मुझे थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेसन कहने के लिए आ गई। थैंक्स तो अंजू उस लड़के से पीछा छुड़वाने के लिए कही और कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे जीतने के लिए। हाय हेलो तो उसके साथ मेरे पहले ही था। बाद में हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब हम क्लास में साथ में बैठकर बात भी करते। प्रोजेक्ट्स बनाने में इतना अच्छा नहीं था मैं, मेरी प्रैक्टिकल फाइल भी अंजू ही बनाती। मैं अंजू से एक अच्छे दोस्त की हैसियत से
बात किया करता। जब भी उसको देखता तो वो ऐसे ही देखा करती, जैसे मन ही मन मुझसे प्यार करती है। मेरे अनुमान यकीन में तब बदला जब उसके साथ रहने वाले लड़कियों ने अंजू को इस बारे में बताया। मैंने उसकी फ्रेंड सरिता से उसका नंबर लिया और सीधे साधे पूछ लिया, सरिता जो बोल रही थी क्या वो सच है? वो शर्माई और उसने हाँ कह दिया। उस दिन उसने आई लव यू बोल दिया और मैं खुशी से झूम उठा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की मुझे सामने से ऐसा बोलेगी। मैं भी खुश था, लेकिन तभी मुझे JBT के लिए चंबू जाना पड़ा। मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप आउट कर दिया। फिर मैं JBT का प्रथम वर्ष पूरा हुआ। पहला साल पूरे होते ही अंजू का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसने भी जम्मू में JBT में दाखिल ले लिया। मेरी जगह पूछने पर उसने कठुआ बताया, जो मेरी वाली जगह से 100 किलोमीटर दूरी थी, मगर कॉलेज में मेरा लास्ट ईयर था और उसका पहला। फिर हम साथ में दिल्ली से जम्मू ट्रेन में जाने लगे। उसके लिए मेरे मन में इज्जत और प्यार दोनों था। बाहर जाने की वजह से मेरे पास भी फ़ोन था, उससे हर रोज़ बातें होती, पूरी पूरी रात बातें होती। बहुत प्यार करते थे हमारे बीच, हमने शादी ये भी सोच ली थी। बात बात पर लड़ाई हो जाती, लेकिन सब नॉर्मल था। अब मुझे लगने लगा कि अब शायद वो टाइम पास करी या उसे किसी लड़के से सेटिंग हो गई, क्योंकि धीरे धीरे उसका फ़ोन आना कम हो गया। पहले जहाँ 3 से 4 घंटे बात होती, अब बस 10 से 15 मिनट। ये बात मैंने मेरी फ्रेंड से कही तो वो बोली कि तेरा प्यार कैसा है? मैं कहा वो सीरियस होना हो तुझे उससे क्या, इतने दिनों के साथ उससे है, थोड़े मज़े भी कर लिया कर। वैसे भी उसने खुद ही तुझे आई लव यू कहा था, एक बार ट्राई करके तो देख, एक दो बार में पता चल जाएगा कि वो तुझसे प्यार करती है या फिर टाइम पास। दोस्त की ये बात मैं समझ गया। अब मैंने पूरा मन बना लिया कि मैं अंजू से इस बारे में बात करूँगा और प्यार में एक कदम आगे बढ़ूँगा। मैं भी देखना चाहता था कि क्या वो इस सबके लिए तैयार है। टाइम भी आ गया, मुझे और अंजू को ट्रेन में जम्मू जाना था। ट्रेन में सामान्य कोच में हम दोनों देखकर हैरान हो गए, बहुत भीड़ था। फिर हमने स्लीपर बस में जाने का प्रोग्राम बनाया। स्लीपर बस दिल्ली ISBT से मिल जाती, हमने स्लीपर सीट ले ली। सीट पर जाते ही थोड़ी देर बस चल पड़ी, हमने साथ में खाना खाया, वहाँ बात करने लगे। उसके हाव भाव से मुझे बहुत अजीब लगा। वो यही अंजू थी जिसको मैं स्कूल से जानता था, काफ़ी बदल गई थी। फिर भी मैं उसके साथ बातें करता क्योंकि फ्रेंड की बातें मुझे याद थी। मैं उसके साथ क्या चाहता और वो क्या चाहती ये देखना चाहता था। थोड़ी देर बाद हम चुप हो गए, बस लेटे थे। फिर मैंने धीरे से हाथ उसके हाथ पकड़ा। वो बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा हाथ पकड़ रहा हूँ। फिर उसने कुछ नहीं बोला। मैं उसके हाथों को सहलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, प्यार कर रहा हूँ। वो बोली प्यार या कुछ और? मैंने कहा कुछ भी समझ लो। ये कहते हुए मैं आगे बढ़ा। पहले तो वो बोली कि क्या, मैंने जब कुछ कहा कि इतना भी हक नहीं है तो वो विरोध नहीं की और मेरा साथ देने लगी। तभी बस काफ़ी देर चल चुकी थी तो अचानक से बस रुकी और मैं केबिन से बाहर निकला। अंजू वहीं पर थी। मैं बाहर गया और वॉशरूम से आकर वापस सीट में बैठ गया। अंजू अब भी वहीं थी। मैं चुपचाप वहाँ आया और केबिन लॉक कर दिया। वो बोली मुझे कुरकुरे खाना है। मैं वापस नीचे गया और उसके लिए कुरकुरे ले आया। अंजू अब मुझे छेड़ रही थी और बोल रही थी, चिढ़ा रही थी कि तेरा है पर मेरा है। मैं उसकी बातें करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो मुझे तंग कर रही थी। उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ रहा था। खुद ही प्यार प्यार चिल्लाती रहती, लेकिन अब जब कुछ करने का समय आया तो वो भाव खा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे फिर कहा, तेरा है पर मेरा है। इस बार वो मुझ पर ऐसे कह रही थी और आँखों से इशारा कह रही थी। मैं उसकी बातों को समझ गया कि वो भी क्या सोच रही थी। लेकिन अब हम दोनों बस में थे और कुछ देर ऐसे ही छेड़खानी और बातचीत के बाद 10 घंटे का सफ़र ख़त्म हो गया, कब पता ही नहीं चला, और हम बस से उतर गए। खैर उसके बाद फिर क्या हुआ वो कभी मौका मिलेगा तो दूसरी बार लिखूँगा। इस वीडियो से मैं लेता हूँ अलविदा। दोस्तों ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई। अगर आपको ये बस के सफ़र वाली कहानी तेरा है पर मेरा है पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।